वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी रेलवे ने अनाउंस कर दी है, जो कि है यहाँ पे 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम कब है और आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता है कि क्या आपको क्या टारगेट सेट रखना है कि इतने मार्क्स हमें लेके आने हैं। ये हमारा टारगेट है कि भाई हमें 90 मार्क्स लेके आने हैं, 120 का पेपर है तो हमें 90 लेके आने हैं, 95 लेके आने हैं, 80 लेके आने हैं, 70 लेके आने हैं। जो हमारा टारगेट सेट होता है वो ज्यादातर यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख करके ही हम सेट करते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ से अपना टारगेट 4-5 नंबर हम ऊपर ही रखते हैं कि भाई हमें इसमें इससे इतने ज्यादा नंबर लेके आने हैं कि हम लोग इस बार का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लें। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताने वाली हूँ 2016 की, साथ ही गाइज ये भी बताने वाली हूँ कि आपका टारगेट इतना तो होना चाहिए कि आप लोग सीबीटी 2 को भी क्वालिफाई कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि जो मेरिट बनती है वो सीबीटी 2 के बेसिस पे ही बनती है। सीबीटी 1 के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, आपको जो भी पोस्ट मिलेगी वो आपकी सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही मिलेगी। तो गाइज ये वीडियो दो पार्ट्स में रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे 10 से 11 आरआरबी देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जो 10 बचे हुए आरआरबी होंगे उसको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे जो मैंने आरआरबी लिया है वो है यहाँ पे आरआरबी मुंबई, और आरआरबी मुंबई की आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ लिखी हुई है। बात करते हैं गाइज यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, बाकी सारी कैटेगरीज की भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं 88 यहाँ पे गई हुई है, 88 और 87। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट गई थी, और यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी। देखिए गाइज, अगर आप किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमें कमर्शियल अप्रेंटिस की ही पोस्ट चाहिए, मतलब वो हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, वो ही जॉब पे हमें चाहिए सिलेक्शन उसी पोस्ट पे, तो आप उसकी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बात करूंगी कि यहाँ पे आपकी 88 कट ऑफ गई थी, तो आप ये मान के चलिए कि मुंबई जोन से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 88+2 यानी कि 90 टारगेट मान के चलना पड़ेगा अभी से ही। ठीक है गाइज, यानी को तो ये भी कह सकती हूँ 88 गई थी, इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप 85 मान लीजिए, लेकिन आपको टारगेट अपने ऑलरेडी हाई रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब हम टारगेट हाई सेट करते हैं तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अब मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि 88 कट ऑफ यहाँ पे गई थी, तो आप लोग क्यों ना 88 को यानी 88+2 90 मान करके ही अपनी तैयारी कीजिए कि भाई मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं तो ही कहीं जाकर के मैं सेफ हूँ। 90 का टारगेट आप यहाँ पे सेट करके चलिए अगर आप मुंबई जोन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी सारी कैटेगरीज को भी आपको ऐसे ही निकालना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है वो यहाँ पे 77 गई है। देखिए गाइस 77, तो आपको क्या करना है 77+2 आप यहाँ पे मान के चलिए 79 मुझे अपना टारगेट रखना है, 79 और 80 इतना मुझे अपना टारगेट मान के चलना है। भले ही आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो किसी और पोस्ट की कर रहे हो, लेकिन आपको अपना जो टारगेट मान के चलना है वो यहाँ पे मैक्सिमम ही मान के चलना है। आगे देख लेते हैं गाइज यहाँ पे मालदा, मालदा जोन की बात करें गाइज यहाँ पे तो यू आर कैटेगरी की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी, और यहाँ पे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट से ही गई थी गाइज ये। तो आपको अपना टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 2+ मान के चलना है, तो यहाँ से आप अपना टारगेट यही मान के चलिए कि 79 और 80 मार्क्स को आपको टारगेट करके यहाँ पे चलना है। आगे देख लेते हैं गाइज यहाँ पे भोपाल जोन की बात करेंगे, भोपाल जोन की बात करें गाइज यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई थी वो 88 ही गई थी, और आपको यहाँ पे 90 अपना टारगेट मान के चलना है। आगे देख लेते हैं गाइज यहाँ पे भुवनेश्वर जोन की बात करेंगे, भुवनेश्वर जोन की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो 85 गई थी, और ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर गई थी, कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर गई थी गाइज, ये 85 गई थी, और आपको अपना टारगेट यहाँ पे कितना मान के चलना है, तो आपको अपना टारगेट यहाँ पे 87 मान के चलना है। आपको जब मॉक टेस्ट लगाए तो आपको इतने मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, और आप इसे 1-2 नंबर ऊपर लेकर ही अपना टारगेट चले। आगे देख लेते हैं गाइज यहाँ पे रांची जोन की बात करेंगे, रांची जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो 82 गई थी, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की गई थी। आप गाइज देख सकते हैं कि इस साल भी यहाँ पे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है, तो ये वाली बात ध्यान रखिए, अगर आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो ध्यान से देख लीजिए कि सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की जो ज्यादातर जोन में यहाँ पे कट ऑफ है वो हाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। और आप इस जोन की अगर रांची जोन से आपने फॉर्म फिल किया है और आप रांची जोन से एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो मान के चलनी है अपनी टारगेट सेट करना है वो यहाँ पे 84 टारगेट लेके चलिए कि 84 मार्क्स आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से ही यहाँ पे करके चलनी है। आगे देख लेते हैं गाइज मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर से यहाँ पे 73 कट ऑफ गई थी और गुड्स गार्ड की यहाँ पे गई थी, तो आप ऐसे समझ के चलिए कि आपको यहाँ पे 75 और यहाँ पे ज्यादा ही मानिए क्योंकि यहाँ पे और पोस्ट नहीं दे रखी, हो सकते हैं यहाँ पे यही दो पोस्ट निकली हो, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट 75 और 80 मान के ही आराम से चलिए।
चलिए आगे देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे अहमदाबाद जोन की बात करेंगे, तो अहमदाबाद जोन की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे गई थी 83 कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर। तो आप यही टारगेट मान के चलिए 85 अपना, यहाँ पे 85 टारगेट आराम से मान के चलिए। देखिए गाइस यहाँ पे जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट नहीं दे रखी है, इसलिए आप यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है तो आप ज्यादातर जिस भी जोन से है 90 ही टारगेट करके चलिए, अगर आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो। चलिए आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे चंडीगढ़ जोन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 92 कट ऑफ गई थी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो यहाँ से आप मान के चलिए चंडीगढ़ जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ से आप 95 का टारगेट लेकर के अभी से ही 95 का टारगेट लेकर के आप लोग चलिए। बाकी सारी भी यहाँ पे लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, आपको कैसे निकालना है, कैसे टारगेट सेट करना है अपना, वो मैंने आपको बता दिया है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे गोरखपुर की, गोरखपुर जोन की बात करें गाइज यहाँ पे तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ 89 गई थी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। आप जानते हैं कि इस बार भी ये पोस्ट यहाँ पे है और इस पे कंपटीशन इस बार डबल रहेगा क्योंकि पिछली बार सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की थी और इस बार यहाँ पे 12th और ग्रेजुएट लेवल दोनों की है। और अगर गाइज आप लोग 12th लेवल से फॉर्म भरे हैं और आपने इस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अभी से ही 95 टारगेट सेट करके चलना है, 95 टारगेट सेट करके चलना है अपना अभी से ही, 95 मार्क्स की आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी भी सारी गाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखी हुई है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे कोलकाता जोन की बात करेंगे तो गाइस कोलकाता जोन की सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 87 गई थी सीनियर क्लर्क की। तो गाइस आपको अपने टारगेट यहाँ पे 90 प्लस मान के ही चलना है, 90 प्लस की अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करके आपको चलनी है। आगे देख लेते हैं गाइस सिलीगुड़ी जोन की बात करें, यहाँ पे वैसे तो कट ऑफ कम जाती है लेकिन ईसीआर यहाँ पे जो पोस्ट है ईसीआर इसकी जो गई थी यहाँ पे कट ऑफ वो 83 गई थी। तो यहाँ से भी आप अपना जो टारगेट है वो 85 मार्क्स का ही मान के चलिए। अगर हम इन टोटल देखें तो आपको 85 से 90 अपने यहाँ पे टारगेट मान के चलना है। कुछ कुछ जोन जैसे कि बहुत ज्यादा हाई गई थी जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पे आप अपना टारगेट 95 सेट करके अभी से ही चलिए। दोस्तों आगे अब बाकी के जो जितने भी जोन है उनकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे वो आपको चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी ऐप के ऊपर टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस लाइव होने जा रहे हैं 29 दिसंबर से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं PMYT। गाइस PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC NET, IITG, NEET। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं PMYT। गाइस कोड नोट कर लीजिए, PMYT कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।